दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से LTS में स्वागत है। 6 स्टॉक्स उन लोगों के लिए जो 5 से 10 साल तक होल्ड करना चाहते हैं और उनमें अभी से SIP करना चाहते हैं, तो ये जो हम 6 स्टॉक्स आपको बताएंगे उनमें आपको अपनी स्टडी करनी है। और जो हम कहने जा रहे हैं कि इन कंपनियों के पीछे रहस्य क्या है, लेने के पीछे इनका मकसद क्या है, ये कवि की भावना को अगर आप समझ गए, मनोविज्ञान को समझ गए, हम कहना क्या चाहते हैं, तो तगड़ा आपका पैसा बन जाएगा। अदरवाइज़ कितनी भी अच्छी कंपनियां हैं, पूरी दुनिया जानती है, उनको लेने का तरीका अगर आपको नहीं पता या नहीं मालूम पड़ता, तो कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी पैसा डाल दीजिए, पैसा नहीं बनेगा। क्योंकि एक साथ पैसा डालेंगे तो ये स्वभाव है मार्केट का कि आपका पोर्टफोलियो रक्त रंजित हो जाएगा, मतलब लाल के निशान पर दिखना शुरू हो जाएगा और आप अपसेट हो जाएंगे। तो ये अपसेट वाला पोर्टफोलियो ऐसा मत कभी बनाइए। आप बस इतना सोचिए कि आपको 5 से 10 साल पैसा झोंकना ही झोंकना है, जो भी आपकी बचत है, सेविंग्स है, इनमें से या और भी आप अपने स्टॉक्स कंसीडर कर सकते हैं। दरअसल समय समय पर हम अलग अलग कंपनियाँ इस तरीके से बताते रहते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी कंपनियाँ होती हैं जो न्यूली लिस्टेड होती हैं, अब जैसे हम पहले की कंपनियों को कंसीडर कर रहे हैं, पैसा भी अच्छा खासा बना के दे रही हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसी कंपनी लिस्ट हो गई हो जो बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हो जाए। कंपनियां तो हैं ही ना जो अभी लिस्ट नहीं हुई हैं, तो समय दर समय उनको भी आप कंसीडर कीजिए, तो उनके बारे में भी हम चर्चा किया करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस गिरावट में आपको घबराना नहीं है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं, अगर आपको कोई कहे, कोई आपको डॉक्टर ही बोल दे कि भाई देखिए आपको लाइफ टाइम में कई बार आपको डेंगू होगा, मलेरिया होगा, कई बीमारियां होंगी, कई बार तो आपको सर्दी जुकाम बुखार होगा, आप परेशान रहेंगे, तो क्या आप जीना छोड़ देंगे? नहीं ना। साल में कितनी दफ़ा आप बीमार रहते हैं? इसी तरीके से जो हमारा शेयर मार्केट है, कई बार नीचे गिरता है, कई बार ऊपर उठता है, लेकिन आखिरकार ऊपर की ओर ही तो जाता है। तो इससे हमें यही सीखना है कि हमें जितना ज़्यादा पैसा डालते जाएंगे, जितने लंबी अवधि के लिए, जितनी बढ़िया कंपनियों में, उतना ही ज़्यादा हमें रिटर्न मिलने वाला है। तो आइए जानते हैं वो कौन से 6 स्टॉक्स हैं और उनके पीछे लेने का रहस्य क्या है, मनोविज्ञान क्या है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बेहतरीन ट्रेडिंग ऐप ग्रो के बारे में बताना चाहूंगा, फिर हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों पैसा इन्वेस्ट करना जितना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म को चूज करना जो आपके इन्वेस्टमेंट नीड्स को पूरा कर सके। वैसा ही एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ग्रो, जो मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस्ड और बिगिनर इन्वेस्टर्स दोनों तरह के यूजर्स के लिए है बेस्ट। आप यहाँ बहुत ही इजिली कम्प्लीटली ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो भी आप मैनेज कर सकते हैं ऑल इन वन प्लेस। ग्रुप पे स्टॉक्स बाय करना भी बिल्कुल इजी है। आपको सिर्फ आपके स्टॉक को सिलेक्ट करना है और कार्ट पे ऐड करना है। ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपके होल्डिंग्स और उनके करंट प्राइस ट्रैक कर सकते हैं इस डैशबोर्ड पर। स्टॉक्स रिलेटेड जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि निफ्टी एंड सेंसेक्स लाइव अपडेट्स, टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स ऑफ द डे, फिल्टर्स और टॉप कंपनीज, सब लैंडिंग पेज पे ही आपको मिल जाएंगे। यहाँ स्टॉक्स के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस दिन के, कंपनी स्टेटिक्स और फाइनेंशियल रेशियोज, कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड पीयर कंपैरिजन, ऐसे सारे इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एक इन्वेस्टर्स के लिए या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए, सब अवेलेबल हैं। आपको सारे इन्फॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं और इससे आपका काम बिल्कुल आसान और फास्ट हो जाता है। ये सारे फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म में आपको मिल रहे हैं, वो भी ग्रो पे। तो इस प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक हमने ऐड कर दिया, वहां से आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं एंड बस आप अपनी इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो न्यूली लिस्टेड एक कंपनी है जिसका नाम है हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड। ये केग्स वगैरह बनाती है जो बेयरिंग्स की होती हैं और भी कई प्रोडक्ट्स बनाती है। तो ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटो इंसलरी की कंपनी है और ऑटो इंसलरीज की कंपनियां आप देख रहे हैं, चाहे मिंडा इंडस्ट्रीज हो, चाहे मदरसन सुमी हो, इस समय अच्छा खासा परफॉर्म कर रही हैं, चाहे सोना BLW हो। लेकिन निर्भर करता है कि किन में कितना कॉम्पिटिशन है, कौन कितना लीडर है। हर्षा इंजीनियर्स को देखते हैं, भले ही छोटे मोटे प्रोडक्ट ही बनाते हैं लेकिन हर गाड़ी में इसकी मांग है, चाहे कोई भी गाड़ी हो, बेयरिंग्स वगैरह की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। और इसीलिए अगर देखें भारतवर्ष में लीडर हैं, दुनिया भर में इनका कारोबार चलता है। हमने वेबसाइट पे इनके डिटेल्स में वीडियो बनाया हुआ है, हम कार्ड्स पे इसका लिंक भी दे देंगे जिन्होंने नहीं देखा है। इस समय जो स्टॉक प्राइस देखते हैं 443 का है, 330 के आसपास इसका IPO प्राइस आया था। तो इसमें जो डाउनसाइड रिस्क है वो हो सकता है कि मान लीजिए कि इसमें बड़े इन्वेस्टर्स निकलें तो और भी गिरावट देखी जा सकती है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आप देख सकते हैं।
और बाकी देखा जाए तो कंपनी बेहतरीन है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, बढ़िया बिजनेस है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो ये लिस्टेड कंपनी अपने आप में अकेली ही है जो बेयरिंग सेगमेंट में है। मार्केट कैपिटल इसके देखिए 4,000 करोड़ की, यानी कि एक स्मॉल कैप की कंपनी है। 10 रुपये पर शेयर की इसकी फेस वैल्यू है और अभी 26 सितंबर को यानी कि एक महीने भी नहीं हुए इसकी लिस्टिंग हुई थी। 44 की प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड हो रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 4.13 का। अर्निंग पर शेयर देखिए 10 रुपये 10 पैसे है और डिलीवरी भी 48% ठीक ठाक दिखाई दे रही है। दूसरा स्टॉक जो है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस CDSL। CDSL का कामकाज क्या है पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। जो भी आपके शेयर्स हैं उनका रख रखाव डिपॉजिटरी सर्विस देती है। आप सोचिए कि कितने अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं। कभी लॉकडाउन के पहले 3 करोड़ के आसपास अकाउंट हुआ करते थे, आज 10 करोड़ हैं। और अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो जब पूरे भारतवर्ष को मालूम पड़ेगा 5G वगैरह आ जाएगा तब लोग इस पे झपट पड़ेंगे। इतने सारे डीमेट अकाउंट्स ओपन होने वाले हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि 25-30 करोड़ डीमेट अकाउंट अगर कुछ आने वाले सालों में खुल जाएं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। और इस वजह से कोई भी कंपनी अगर लाभान्वित होगी तो वो है CDSL, क्योंकि कंपनियां भी बहुत सारी लिस्ट हो रही हैं, उनको भी अपनी सर्विस देती है, जैसे कि वोटिंग वगैरह हो गए। फिर आप देखते होंगे जब भी कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं तो CDSL की अपनी फीस होती है। जब भी आप प्लेज करते हैं शेयर्स तो वहां भी ये भी चार्ज करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी फीस से इनको इनकम होती है। और लगना क्या है इनका, ऐसा तो है नहीं कुछ कि इनको आलू वगैरह लेके समोसे बना के बेचने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, चिप्स वगैरह पैकेजिंग करके बेचने हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जो शुद्ध पैसा आना है उनमें से, जो भी इनके एम्प्लॉय कॉस्ट है, जो भी खर्चे हैं ऑफिस वगैरह के, उसको सब निकाल के मुनाफा ही मुनाफा इनको बचना है। तो इसलिए एक बढ़िया कमाऊ कंपनी साबित होगी, आगे भी आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न आपको बना के देती रहेगी। ये देखिए अभी 12,900 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैपिटल है। स्टॉक प्राइस है 1229 का। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 2017 की लिस्टेड कंपनी है। 42 की प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड हो रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 11.76 का। और साल का हाई लो देखते हैं तो इतनी ज़्यादा इसमें भी गिरावट आ चुकी है। 1734 का हाई बनाते हुए 1015 का लो और अभी 1229 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो आने वाले समय में इसमें भी काफ़ी अच्छी खासी गुंजाइश है, अगर एक देखें कि रिटर्न कितने बना के दिए हैं। अब सोचिए जब से लिस्ट हुई है 230% के यहाँ पे रिटर्न बना के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो कि एक बढ़िया है। तीसरा स्टॉक हमने NBFC का चुना है जो फाइनेंस की कंपनी है। अब देखेंगे इसका नाम है अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज। 1364 की प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। हालांकि देखा जाए चाहे बैंक्स हो चाहे फाइनेंस की कंपनियां हो, इस समय काफ़ी तेज़ी उनमें देखी गई है और इस वजह से देखिए अपने हाई के आसपास ये भी ट्रेड हो रहा है। लगातार हम इस पर वीडियोज़ बनाते रहे हैं तो इसीलिए कहते हैं कि क्या हो जाता है जब कोई अपने हाई के पास रहता है, तो एक तरफ इसमें यह भी रिस्क रहता है कि थोड़ा बड़ा करेक्शन भी आ सकता है। तो सबसे बढ़िया है कि SIP करते रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे एक वर्ष में देखिए रिटर्न अभी यहाँ पे 41% से ज़्यादा का रिटर्न है। जिन्होंने 6 महीने पहले भी निवेश किया उनको भी करीब 22% के आसपास का रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। मार्केट साइज देखें तो 1100 करोड़, 1150 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैपिटल है। 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला स्टॉक है और बहुत बढ़िया रिटर्न इसने 10 वर्षों में बना के दिए हैं। अगर देखें प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.46 का। प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं 5.45 का। अर्निंग पर शेयर देखिए 51 रुपये 65 पैसे है। अब देखिए इसने 5 सालों में करीब 550% के आसपास के रिटर्न दिए हैं जो कि बहुत ही शानदार है। 5 साल में आपका पैसा 5 गुना हो चुका है, क्या चाहिए। एक और केमिकल की बढ़िया कंपनी यहाँ पे नजर आ रही है, स्पेशलिटी केमिकल्स की, जो है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और देखते हैं हाई लो, सबसे पहले देखिए 571 का हाई और 274 का लो था। 330 रुपये की प्राइस पे अभी ट्रेड हो रहा है। एक वर्ष में जो रिटर्न रहे केमिकल की सारी कंपनियां गिरी पड़ी हैं, ये भी गिर गई। देखिए 38% ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। जिन्होंने निवेश किया होगा 6 महीने पहले जिन्होंने निवेश किया उनको भी करीब 29% के आसपास का नुकसान है। मार्केट कैपिटल इसकी 8,783 करोड़ की, 2 रुपये की फेस वैल्यू है। 25 मार्च 2021 को इसकी लिस्टिंग हुई थी, 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 40 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 6.74 का है। डिविडेंड भी पे करता है। 0.21% यील्ड निकल के आ रहा है। अब ये जो केमिकल की कंपनी है, जब भी इन कंपनियों में बाहर आएगी मैन्युफैक्चरिंग की जो भी कंपनियां हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के पीछे क्रूड ऑयल होता है, इनका कहीं ना कहीं डेरिवेटिव्स है, तो इस वजह से रॉ मटेरियल के रूप में इनपुट कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ रही है सारी कंपनियों के। रिजल्ट्स भी देखेंगे, बहुत सारे ऐसी कंपनियां इनके रिजल्ट्स खराब आए थे कुछ क्वार्टर्स के। तो आने वाले समय भी अगर ऐसे ही रहा तो तब तक ये शांतिपूर्वक बने रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा रहे। आने वाले समय में ज़रूर ये कंपनियां आपको अच्छा रिटर्न बना के देने वाली बेहतरीन कंपनियों में शुमार होती है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। लेटेंट व्यू यहां पे देखते हैं। 356 रुपये के प्राइस पे
ट्रेड हो रहा है, लेकिन आप नोटिस करिए कि जब भी इस स्टॉक में मौका लगता है बहुत तेज भागता है, कभी 10% का ऊपर भागता है। तो सोचिए कि ये कंपनी अभी समझिए न्यूली लिस्टेड तो है ही, 23 नवंबर 2021 को इसकी लिस्टिंग हुई थी, एक साल पूरे होने को आने वाले हैं, और 7,131 रुपये की इसकी मार्केट कैपिटल है, 1 रुपये की फेस वैल्यू वाला स्टॉक है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए 60 का है और प्राइस टू बुक वैल्यू 6.97 का है। 754 का हाई बनाते हुए 305 का लो बना चुका है और अभी भी देखें लो के आसपास ही है। जो भी एक वर्ष में रिटर्न थे सब खत्म हो गए, आईटी की सारी कंपनियां गिरी पड़ी हैं। यहां पे देखिए 26-27% का नुकसान हो रहा है, 6 महीने पहले जिन्होंने निवेश किया उनको भी 30% का नुकसान हो रहा है। लेकिन क्या होता है अगर आप समझें इनके जियोग्राफिकल जो रेवेन्यू इनका ब्रेकअप है कि लेटेंट व्यू का जो मेजर रेवेन्यू आता है वो अमेरिका से आता है, उसके पश्चात यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, और दोनों कंट्रीज़ में महंगाई तगड़ी है। इस वजह से हो सकता है कि जो भी इनकी सर्विसेज लेते हैं कंपनियां अगर उनमें थोड़ा सा स्लो डाउन आया तो ऑफकोर्स ऐसी कंपनियों में भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, ये भी देखने को मिल सकता है। लेकिन कब तक, जिनका लक्ष्य है 5 साल 10 साल, उनको क्या फ़र्क पड़ने वाला है, आज नहीं तो कल। इसी बीच में मौके हैं कि छोटे छोटे प्राइस के मिल रहे हैं, थोड़े थोड़े करके ऐड करते जाइए। अगर आपका लंबी अवधि का नज़रिया है और भी अच्छी कंपनियां हैं, लेकिन अगर जिनको छोटी कंपनी छोटी प्राइस का छोटे मार्केट कैप की पसंद है तो इस कंपनी को भी कंसिडर किया जा सकता है। हो सकता है कि इसमें और भी गिरावट देखने को मिले तो उससे विचलित नहीं होना, इस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। अंतिम जो स्टॉक है, जो छठा स्टॉक्स है, प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड। अगर आप इसमें देखेंगे प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स जैसे कि UPVC, CPVC, पानी की टंकी या फिर और भी अनेक कार्यों में प्रयुक्त होने वाले पाइप्स हो गए, प्लास्टिक के बनाते हैं, कृषि कार्यों में यूज़ होने वाले पाइप्स बनाते हैं, तो बढ़िया इनके प्रोडक्ट्स हैं, इसमें कोई दोरा नहीं। डायरेक्ट कंज्यूमर भी इनके प्रोडक्ट्स जो है अपने रिटेल शॉप में कहीं आसपास के खरीद सकता है। और ये कंपनी भी न्यूली लिस्टेड 2019 की लिस्टेड कंपनी है, 2020 कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दिसंबर में इसकी लिस्टिंग हुई थी। 897 का हाई बनाते हुए भी 579 के आसपास ट्रेड हो रहा है। एक वर्ष में इसमें भी जो रिटर्न थे करीब करीब देखा जाए खत्म हो चुके हैं। 23% के आसपास का यहाँ पे लॉस हो रहा है एक साल में, 6 महीने पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उनको करीब 19% के आसपास का लॉस हो रहा है। लेकिन ये लॉस नहीं है, अगर आप देखें तो अगर इनके शेयर्स हैं तो चुपचाप लेके बैठे रहिए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 5 का और 10 की फेस वैल्यू वाला स्टॉक है। अब जब से लिस्ट हुआ है सिंस लिस्टेड अगर देखें तो इसने करीब करीब आपका पैसा 250% के आसपास बना के दिए हैं। इस तरीके से मित्रों हमने 6 स्टॉक्स पर चर्चा की और मुझे लगता है कि जो आप लोगों की मांग थी कि हमें कोई ऐसी छोटी कंपनियां बताई जाएं, तो मेरी समझ में देखिए अब कोई मैं यहाँ पे पंडित कोई ऐसा विद्वान ज्योतिषी तो हूँ नहीं कि यही कंपनियां आपको अपार धन दौलत बना के देंगी, लेकिन इतना तो तय है कि जो भी श्रद्धापूर्वक अपनी स्टडी करेगा अपना अध्ययन करेगा और उनको एक बारगी में ये लगे कि नहीं कंपनियां तो ओवरऑल ठीक हैं, प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं, बिजनेस भी अच्छा है, बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, और वो अपने हिसाब से किस तरीके से निवेश करता है कि निवेशक वही पैसा बना पाएगा। फिर एक अपॉर्चुनिटी आई 6 महीने पहले जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, फिर से काफ़ी कंपनियों में गिरावट हुई है। तो अब फिर से आपको ध्यान देना है कि कंपनियों की कमाई किस प्रकार से हो रही, कैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह आ रहे हैं। अभी Q2 के नतीजे सबके आने शुरू हो गए हैं, अपडेट करते रहेंगे। तो यहाँ पे एक अच्छी रणनीति आप बना सकते हैं कि फिर से अच्छी कंपनियों का चयन करें। अब ये सारे स्टॉक्स जो है 5,000 रुपये के अंदर में आ जा रहे हैं एक एक स्टॉक। उस तरीके से जो भी आपका बजट हो या और भी आप कंपनियाँ जो भी आपके पोर्टफोलियो में हो उस तरीके से आप कंसीडर कर सकते हैं। ये स्टॉक्स कैसे लगे आपको, आप ज़रूर अपने विचार रखेंगे कमेंट के माध्यम से। और साथ ही हमने दोस्तों ग्रो ऐप का डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिया है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके अपनी इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।